स्वास्थ्य मंत्री ने सुलह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत नौरा में राजकीय डिग्री कॉलेज के परिसर में जनमंच कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में क्षेत्र की 16 पंचायतों के लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया। इनमें ग्राम पंचायत नौरा, गग्गल, धीरा, दई, भद्रोल, चंबी, कहनफट, गदियाड़, रंझू, झरेट, चौकी, क्यारवा, घराना, पुठवा, बलोटा और पनापर पंचायतों के लोग शामिल रहे। कार्यक्रम में करीब 1800 लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर विपिन सिंह परमार ने बेटी है अनमोल योजना के तहत 21 लाभार्थी बच्चों के परिजनों को 2.20 लाख के चेक वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बेटियों की सुरक्षा के साथ साथ उनकी अच्छी शिक्षा और हर क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध करवाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। बेटियों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक बूटा बेटी के नाम भी शुरू की गई है। उन्होंने इस मौके पर 21 बच्चियों के अभिभावकों को फलदार पौधे भी वितरित किए। कार्यक्रम के तहत प्री जनमंच कार्यक्रम में 90 बूटे पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं। परमार ने गृह निर्माण अनुदान योजना के तहत 3 लाभार्थियों को 3.90 लाख की सहायता राशि भी चेक के रूप में भेंट की। उन्होंने गृहिणी सुविधा योजना के तहत 161 पात्र लाभार्थियों को निशुल्क LPG गैस कनेक्शन वितरित किए। जनमंच कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से जुड़े लगभग 190 मामले आए थे, जिनमें से अधिकतर का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। शेष सभी समस्याओं का निपटारा अगले 10 दिनों के भीतर सुनिश्चित करवाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम में यह भी अवगत करवाया गया कि जनमंच से पूर्व की अवधि में लोगों की 154 समस्याएं प्राप्त हुई थी। इनमें से 54 मामलों का निवारण जनमंच दिवस से पूर्व ही किया जा चुका है, जबकि शेष समस्याओं के निवारण पर कार्रवाई की जा रही है। इस मौके पर कार्यक्रम में उपायुक्त संदीप कुमार ने अवगत करवाया कि प्री जनमंच अवधि में संबंधित 16 पंचायतों में पात्र लोगों को गृहिणी सुविधा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, बुढ़ापा, विधवा व दिव्यांग पेंशन, जनधन योजना, बेटी है अनमोल आदि योजनाओं का 100% लाभ पहुंचाना तय किया गया। महत्वपूर्ण कार्यक्रम आप देख रहे हैं, इसका रंग भी देख रहे हैं, रूप भी देख रहे हैं, और श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार का ये कार्यक्रम जनता के लिए एक वरदान सिद्ध हो रहा है। अपनी छोटी छोटी समस्याओं को यहां रखा जा रहा है और समस्याओं का हल भी उस इलाके के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा ढूंढा जा रहा है। ये इसलिए शुरू किया गया है कि सरकार जनता के द्वारा बनाई जाती है, और सरकार जनता के द्वारा बनाई जाती है तो सरकार जनता के बीच में आए, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, और समस्याओं को सुना जाए, उनका हल खोजा जाए, और हल खोजने के बाद संतुष्ट होकर के वो यहां से जाएं। ये प्रयास किस जनमंच का है आप देख रहे हैं। यहां जवाबदेही भी तय हो रही है, ये एप्लीकेशन देने तक ही सीमित नहीं है, इसको हिमाचल प्रदेश सरकार अपने स्तर पर छानबीन करती है। यहां जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में जो जनमंच हो रहा है, हर एप्लीकेशन विभाग को जा रही है, और अभी ये भी तय हुआ है कि जितने जनमंच हुए हैं उन जनमंचों में जो समस्या जिस विभाग की आ रही है उस विभाग के मंत्री स्वयं देखेंगे कि जनमंच में एक व्यक्ति आया, पीने के पानी की समस्या को उठाया, पाइपों को बदलने का की आवाज की एप्लीकेशन दी, क्या वो काम हुआ। इसलिए छोटी छोटी बातों को कहा गया कि बिजली का खंभा तो लग गया, तारे नहीं लगी। मैंने ये भी कहा है
कि बिजली के खंभे लगे, तारें लगे, और जहां पर लोगों की सोशल सिक्योरिटी जुड़ी है तो वहां पर विद्युत विभाग कोई एस्टीमेट तैयार ना करे। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं, हम सलाह ठीक लें, और मैं ये भी कहना चाहता हूं, काम होने में देरी लग सकती है, परंतु जो हमारे दरबार में आकर के याचना कर रहा है वहां पर हम उससे मैत्रीपूर्ण व्यवहार से पेश आए, मैत्रीपूर्ण व्यवहार से। हम ये ना सोचें कि हम किसी विभाग में जिस पद पर बैठे हैं वहां पर सिर्फ एप्लीकेशन लेनी है, ठीक है हो जाएगा, हम व्यवहार ठीक रखें, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी अगर विधायक और मंत्रियों की होती है तो ये जिम्मेवारी विभागों को चलाने वाले अधिकारियों की भी होती है। इसलिए जो यहां पर मैं भी किसी को एप्लीकेशन देता हूं,